नमस्कार दोस्तों, मैं इंशुल, मैं आप सभी का अपने चैनल टेक एंड टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी को दो जॉब अपॉर्चुनिटीज का अपडेट देने वाला हूं, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों एक बार हमारा चैनल जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमने हमारे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज का अपडेट दे रखा है। जैसे कि दोस्तों माइंडट्री की लास्ट डेट है 11th of November, दोस्तों आज है 10th of November, तो दोस्तों मेक श्योर आप इस पे अपने आपको जल्दी से जल्दी एनरोल कर लीजिएगा। तो दोस्तों जो आज की पहली जॉब अपॉर्चुनिटी है दोस्तों वो पोस्ट की गई है ज़ेल एआई YCW21 कंपनी की तरफ से। दोस्तों हायरिंग होने वाली है इंटर्न पोजीशन के लिए। पहली दोस्तों मैं आप बता देता हूं, यहां दोस्तों 6 months इंटर्न पोजीशन आपको मिलने वाली है। उसके बाद दोस्तों परफॉर्मेंस बेसिस के ऊपर आपको फुल टाइम अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। सो दोस्तों यहां 2022 ग्रेजुएट और लेस देन, हां दोस्तों 2022 21 2019 सभी एलिजिबल होने वाले हैं। यहां दोस्तों आपको काफी सारी प्रोफाइल देखने को मिलने वाली है। दोस्तों यहां आपको फुल स्टैक डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, यूआई यूएक्स डिजाइनर, फ्लटर ऐप डेवलपर की पोजीशन मिलने वाली है। दोस्तों मैं आपको इसके बारे में इन डिटेल बता देता हूं। और दोस्तों एक बार एक चीज और बता देता हूं, बहुत लोगों ने इस कंपनी का नाम नहीं सुना होगा। दोस्तों ये एक स्टार्टअप है, तो यार स्टार्टअप में अगर आप अप्लाई करते हो तो सीखने को बहुत ज्यादा मिलता है। तो दोस्तों आप इनकी प्रोफाइल्स पर आइएगा, बैक एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर, सैलरी दोस्तों $12,000। दोस्तों अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो 8 LPA से ज्यादा होता है ये। फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर दोस्तों आप देख सकते हो, सैलरी भी आप देख सकते हो। आर यू लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द मोबाइल ऐप फ्रॉम स्क्रैच? तो दोस्तों अगर आपको मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो दोस्तों बैक एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर में जरूर अप्लाई करिएगा। और दोस्तों मशीन लर्निंग इंजीनियर की पोजिशन मिलने वाली है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजिशन मिलने वाली है। तो एक रिक्वेस्ट यार, इसमें जरूर अप्लाई करिएगा। साथ ही साथ दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ ये गया, यहाँ दोस्तों आपको अपना नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, विच पोजीशन आर यू इंटरेस्टेड इन, दोस्तों आप कौन सी पोजीशन में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हो, प्रेफर टाइम टू, दोस्तों आप कब इनसे बात कर सकते हो। बाकी दोस्तों हाउ डिड यू फाइंड दिस लिंक, दोस्तों आपको इसके बारे में कहां से पता चला? दोस्तों आप लिंक्डइन सेलेक्ट कर सकते हो, लिंक्डइन प्रोफाइल लिंक दोस्तों आप सेलेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों जब भी आप अपना सीवी और रिज्यूमे अपलोड कर रहे हो तो प्लीज लेटेस्ट सीवी और रिज्यूमे अपलोड कीजिएगा, जिसमें अगर आपने कुछ भी अभी काम किया है, लेटेस्ट इंटर्नशिप किया है या फिर कोई सर्टिफिकेशन किया है, उसको भी जरूर मेंशन करिएगा। अब मैं दोस्तों आपको दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटी का अपडेट दे देता हूं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वहां भी हम जॉब्स एज वेल एज इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज का अपडेट देते रहते हैं। तो दोस्तों जो नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी है ये पोस्ट की गई है दोस्तों 247.ai कंपनी की तरफ से। यहां दोस्तों आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर की प्रोफाइल मिलने वाली है, 2021 and 20 की हायरिंग होने वाली है। जॉब रोल दोस्तों मैंने बताई दिया, SDE1। लोकेशन है दोस्तों बैंगलोर। बैच की बात करता हूं तो दोस्तों 2021 and 20। डेट ऑफ ज्वाइनिंग दोस्तों या तो इमीडिएट आपको ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी या दोस्तों मैक्सिमम 15 डेज का नोटिस आप सभी को मिलने वाला है। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो दोस्तों वी आर लुकिंग फॉर अ प्रोडक्ट इंजीनियर SDE1 फॉर आर प्रोडक्ट रिलायबिलिटी एंड सस्टेंस इंजीनियर टीम विद इन आर प्रोडक्ट इंजीनियर ऑर्गेनाइजेशन। रोल दोस्तों इन लोगों ने यहां हर एक चीज मेंशन कर रखी है। एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो दोस्तों अगर आपके पास बैचलर और मास्टर डिग्री है इन कंप्यूटर साइंस तो आप सभी इसमें एलिजिबल होने वाले हो। दोस्तों आपकी कोई भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। यहां दोस्तों आपकी 3 से 6 महीने की इंटर्नशिप एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो अभी दोस्तों आपको एडवांटेज मिलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोस्तों इन्होंने यहां मेंशन कर रखी है, तो एक बार प्लीज इसको जरूर देख लीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों कुछ स्किल्स हैं जैसा कि हैंड्स ऑन डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एक्सपीरियंस यूजिंग जावा, प्रेफर्ड C++, Node.js और एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मस्ट। दोस्तों जावा अगर कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, बट दोस्तों लास्ट में इन्होंने ये भी मेंशन कर रखा है अगर आपने कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मस्ट, अगर आपको पाइथन भी आती है तो भी दोस्तों आप एलिजिबल होने वाले हो। गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनल डेटाबेसेस एंड वन और मोर NoSQL डेटाबेस, गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ JSON एंड RESTful APIs, एक्सपोजर टू वेब एप्लीकेशंस built using Angular or React, hands-on experience with log analysis tools and Linux queries, scripting is expected। तो दोस्तों एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इन दोनों ही जॉब अपॉर्चुनिटीज में अप्लाई करिए। साथ ही साथ दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड, जूनियर भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्दी मिलता हूँ अपनी नई वीडियो में अपने नए टेक अपडेट के साथ। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।